साल 2023 में शाहरुख खान की मूवी पठान और उसके बाद सलमान खान की मूवी टाइगर 3 देखने को मिलने वाली है और इन दोनों ही मूवीज में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ लीक्स निकलकर सामने आ रहे हैं जिनके मुताबिक शाहरुख खान की फिल्म पठान में टाइगर बने सलमान खान भी दिखाई दे सकते हैं और इस गेस्ट अपीयरेंस को देखकर फैंस का एक्सपीरियंस रियल में टॉप लेवल पर पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, सलमान खान की मच अवेटेड मूवी टाइगर 3 में भी पठान बने शाहरुख खान दिखाई देने वाले हैं, जिससे टाइगर 3 मूवी का एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और टाइगर 3 में पठान की नेक्स्ट मूवी का अनाउंसमेंट भी हो सकता है। यशराज फिल्म्स की पठान, टाइगर और वार फ्रेंचाइजी मिलकर अपना एक स्पाई यूनिवर्स क्रिएट कर रही है और सूत्रों की माने तो पठान और टाइगर 3 में SRK और सलमान खान मिलकर अपना एक अलग ही लेवल सेट करने वाले हैं। तो SRK की पठान में सलमान एस टाइगर और सलमान की टाइगर 3 में SRK एस पठान, ये दोनों ही खबरें सुनकर फैंस का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया है और ये दोनों ही फिल्में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली है, क्योंकि अभी से इन दोनों फिल्मों का काफी ज्यादा बज है। पठान मूवी से शाहरुख खान 4 साल बाद कमबैक कर रहे हैं और मूवी के ट्रेलर को भी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है, इसलिए डेफिनेटली पठान एक ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है। वहीं सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइजी पहले से ब्लॉकबस्टर है, तो आप पठान या टाइगर 3 में से किस फिल्म को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।